अरे प्रिया, मैंने तुझसे कहा था कि तू ये बेसन का लेप लगा ले, तूने ये लगाया? आज लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। अरे माँ, क्या तू ये बार बार मुझे बेसन का लेप लगाने को बोलती है? कुछ होता भी है इससे? कितने लड़के मुझे देखकर चले गए, कभी किसी ने मुझे देखकर हाँ किया कि जो अब आएगा वो मुझसे शादी ही कर लेगा? अरे बेटी, तू बस मेरा दिल रखने के लिए लेप लगा लेना। नहीं माँ, मुझे लेप नहीं लगाना, अभी मैं फैक्ट्री पर जा रही हूँ। प्रिया अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहती थी। प्रिया दिल की बहुत सुंदरी थी, लेकिन उसका रंग बहुत सांवला था। उसके माँ बाप को उसके रंग को लेकर बहुत चिंता रहती थी। अरे प्रिया की माँ तो क्यों हमेशा प्रिया के पीछे पड़ी रहती है, देख कैसे उदास होकर फैक्ट्री गई है। अरे प्रिया के पिताजी, आप क्यों नहीं समझते हो प्रिया कितनी बड़ी हो गई है? गांव में उससे कम उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है। हमारी प्रिया का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके रंग की वजह से सब लड़के उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तू परेशान मत हो, हमारी प्रिया के लिए बहुत ही अच्छा लड़का मिलेगा, जो उसे उसके रंग को देखकर नहीं बल्कि उसके स्वभाव को देखकर उससे शादी करेगा। प्रिया पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी उसके रंग की वजह से उसे गांव की फैक्ट्री में साफ सफाई करने का काम ही मिला। अजी, आप जरा बाजार से सब्जी ले आइए, घर में सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है, मैं अभी जाकर सब्जी ले आता हूँ। ऐसा कहकर मोहनदास सब्जी लेने बाजार जाता है कि तभी रास्ते में उसे अपना बहुत पुराना दोस्त घनश्याम मिलता है। अरे घनश्याम, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार कुछ नहीं, और तू बता कैसा है, और भाभी जी कैसी हैं, और हमारी प्यारी गुड़िया प्रिया वो कैसी है? अब तो वो बड़ी हो गई होगी। हाँ यार, अब तो वो शादी के लायक हो गई है। अच्छा, तूने अभी तक प्रिया की शादी नहीं की? नहीं यार, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अबे यार, तू परेशान क्यों होता है? तेरा ये जिगरी दोस्त कब काम आएगा? तू बस शादी की तैयारी कर, बाकी मैं सब देख लूंगा। अबे यार, तू क्या कह रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, मैं भी तो अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ, तो क्यों ना तू अपनी बेटी की शादी मेरे कमल से करवा दे। तेरी बात तो सही है, लेकिन एक बार तो तू प्रिया को देख तो ले, और कमल को भी प्रिया दिखा दे। अबे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? प्रिया को तो हमने बचपन में देखा है, और वैसे भी वो तेरी बेटी है, तो उसे अब क्या देखना, ये तो घर जैसी ही बात है। तू परेशान मत हो, और बस जल्दी ही शादी की तैयारी करना शुरू कर दे, मैं जल्द ही अपने बेटे की बारात तेरी बेटी प्रिया के लिए लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर घनश्याम वहाँ से चला जाता है, और मोहनदास अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और घर जाता है। अरे सुनती हो, प्रिया की माँ जरा बाहर आ। अरे कहाँ है, बाहर आ, देख मैं कितनी खुशी की बात लेकर आया हूँ। अरे क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आ तो रही हूँ मैं। अरे जैसे मैं खुशी में चिल्ला रहा हूँ, तो तू भी मेरी बात सुनेगी, तो तू भी मेरी तरह ही खुशी से झूम उठेगी। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने खुश हो रहे हो? अरे भाग्यवान, तुझे अब हमारी बेटी प्रिया की शादी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू अब प्रिया की शादी की तैयारी करना शुरू कर दे। अरे पागल हो गए हो क्या, अब ये क्या कह रहे हो, प्रिया की शादी? लेकिन प्रिया की शादी के लिए लड़का भी तो होना चाहिए। हमारी बेटी प्रिया से शादी करने के लिए तो जितने भी लड़के आए उन सभी ने मना कर दिया। अरे अब तू परेशान मत हो, अब देख कैसे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तुझे याद है मेरा वो पुराना दोस्त घनश्याम? हाँ जी, वही ना जो पहले हमारे घर के सामने रहते थे। हाँ वही घनश्याम, वो आज मुझे बाजार में मिला, और पता है उसने मुझसे क्या कहा? हाँ जी बताइए, घनश्याम भाई साहब ने क्या कहा? अरे भाग्यवान, वो अपने बेटे की शादी के लिए हमारी प्रिया बेटी का हाथ मांग रहा है, और उसने मुझसे कहा है कि वो जल्द ही अपनी बेटे की बारात लेकर हमारे घर आएगा। क्या, आप ये क्या बोल रहे हो? लेकिन कमल तो बहुत ही सुंदर है, आपने घनश्याम भाई साहब को प्रिया के बारे में बताया? मैंने उसे बोला था कि वो पहले एक बार प्रिया को देख ले, लेकिन उसने मुझसे कहा कि प्रिया को उसने बचपन से देखा है, तो उसे कोई एतराज नहीं है, वो प्रिया की शादी कमल से करवाने के लिए तैयार है। अजी ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपनी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, और प्रिया की शादी का दिन आ जाता है।
प्रिया को देखकर कमल घनश्याम से बोलता है, अरे पापा आपने मेरे लिए ये ऐसी लड़की देखी है? आपको पूरे गांव में बस यही एक काली लड़की मिली थी क्या? अरे चुप कर, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी होगी। बचपन में तो ये बहुत सुंदर थी, मुझे नहीं पता था कि अब ऐसी हो जाएगी। पापा मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ, इससे शादी करके तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो चुपचाप से शादी कर ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घनश्याम के डर से कमल प्रिया से शादी तो कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे कमल आपको क्या हुआ है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। पता नहीं पापा ने तुम्हारे जैसी काली लड़की से मेरी शादी क्यों करवा दी। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं वो देखो आ गया कल्लो का पति। गुस्से में कमल घर से बाहर चला जाता है और बेचारी प्रिया कमल की बात सुनकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर कमल की माँ आ जाती है। अरे प्रिया क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा? प्रिया कमल की माँ को सब कुछ बता देती है। अरे तो मेरा बेटा सही कह रहा है ना, जाने कमल के पापा ने तुझसे उसकी शादी क्यों करवा दी। मेरे बेटे के तो नसीब ही फूट गए तुझ जैसी बीवी से शादी करवा के। उसके लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, भगवान जाने पुरानी दोस्ती की वजह से उन्होंने कमल की शादी तुझसे क्यों करवा दी। सास की बात सुनकर प्रिया और दुखी हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है। हे भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, हर कोई मेरी इस काले रंग की वजह से मुझे सुना कर चला जाता है। अरे मीरा आओ आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम। अरे कमल की माँ मैं तो अपने भाई के बेटे की शादी में गई हुई थी। तुझे पता है उसकी बहू कितनी सुंदर आई है, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरे भाई की बहू तो। अच्छा चल सही है, कम से कम तेरे भाई की बहू तो सुंदर आई। अरे तेरे बेटे की भी तो शादी हुई है, अपनी बहू से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं कि आखिर तेरी बहू कैसी है। अरे रुक अभी बुलाती हूँ। हे भगवान इसको अब उस कलवी से कैसे मिलवाऊं। अरे कमल की माँ किस सोच में पड़ गई, बुलाना अपनी बहू को। हाँ हाँ बुलाती हूँ। अरे प्रिया, ओ प्रिया जरा बाहर आ। जी माँ जी आपने बुलाया। प्रिया को देखकर मीरा हैरान हो जाती है। अरे कमल की माँ तुझे कमल के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या जो ऐसी बहू लेकर आ गई? अरे प्रिया तू अंदर जा और जाकर खाना बना। मीरा की बात सुनकर प्रिया बहुत उदास हो गई और अंदर चली गई। अरे अरे कमल की माँ मुझे तुम्हारा दुख देखकर बहुत दुख होता है। बताओ कितना स्मार्ट और सुंदर बेटा है तुम्हारा, और तुम्हारी बहू को देखो कितनी काली है, न जाने किसके कर्मों की सजा मिली है तुम्हें। अरे मीरा अब क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे बेटे के नसीब तो उसके बाप ने खुद ही फोड़ दिए। खुद तो काम के लिए बाहर रहते हैं और यहाँ हम दोनों माँ बेटे के लिए इस काली बहू को छोड़ गए। इसको तो मुझे कहीं किसी को दिखाने में भी शर्म आती है। अरे ऐसी बहू अगर होगी तो शर्म तो आएगी ही, ऐसी काली बहू तो किसी को भी दिखा नहीं सकते। अब क्या करें, ऐसी बहू को झेलना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ क्या करें, ऐसी बहू को झेलने से तो अच्छा है मेरा बेटा कुंवारा ही रहता। प्रिया मीरा और कमल की माँ की सारी बातें सुन लेती है और तभी बाहर आकर कमल की माँ से बोलती है, माँ मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। क्या ये तू क्या कह रही है, आखिर अब तू कहाँ जाएगी? वैसे ही तेरी वजह से हर जगह हमारी बदनामी हो रही है और अब तू घर छोड़कर हमारे घर की और बदनामी करवाना चाहती है। माँ जब आप लोगों को मैं पसंद ही नहीं हूँ तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, और वैसे भी मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हो रही है, इससे तो अच्छा है मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे बहू ये तू क्या कह रही है, तू आखिर कहाँ जाएगी? माँ मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी, जब आप लोग मुझे काली बोलते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दूसरे लोगों के सामने बोलते हो तो मुझे बेइज्जती महसूस होती है। मैं अब इस घर में एक और मिनट नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। अरे रुक, कमल की माँ प्रिया को रोकती रहती है लेकिन प्रिया घर छोड़कर चली जाती है। अरे छोड़ ना, जाने दे ये खुद चली गई, ऐसी काली बहू को घर में रखकर क्या फायदा, पूरे गांव में बेइज्जती हो, इससे तो अच्छा है वो खुद ही घर से निकल गई।
और दोबारा वापस ना आए तो अच्छा ही होगा। और हाँ, तुम जल्दी ही कमल की शादी दोबारा करवा देना किसी सुंदर सी लड़की से। हाँ मीरा, तुम ये सही कह रही हो, मैं जल्द ही अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी। बेचारी प्रिया दुखी होकर अपने पापा के घर चली जाती है। अरे प्रिया बेटी, तू अचानक यहाँ पर? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? पापा, वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। कमल और उसकी माँ मुझे काले रंग की वजह से बहुत ताने देते हैं, और पड़ोसियों के सामने भी वो लोग मेरे काले रंग को लेकर मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। पापा, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। अरे बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन तुझे अब सारी जिंदगी वहीं अपने ससुराल में रहना होगा। नहीं मेरी बेटी, अब उस घर में नहीं जाएगी, अब वो यही हमारे साथ रहेगी। मैं अभी भी अपनी बेटी को यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? हमने शादीशुदा लड़की को ऐसे घर में रखा है, गांव में हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि बेटी तो छोटी है, उसमें अकल नहीं। लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हमें तो इसे समझाना चाहिए। नहीं, मैंने कह दिया ना कि मेरी बेटी अब उस घर में दोबारा नहीं जाएगी। जब तक वो लोग खुद मेरी बेटी को लेने नहीं आएंगे, तब तक मेरी बेटी यही हमारे पास रहेगी। प्रिया की माँ प्रिया और मोहनदास को बहुत समझाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बेटी, तू पूरा दिन ऐसे घर में रहती है तो तू अपनी पढ़ाई क्यों नहीं चालू कर देती? लेकिन पापा, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों का जुगाड़ मैं कर लूँगा। मोहनदास प्रिया की पढ़ाई के लिए अपने घर को सेठ बलवंत राणा के पास गिरवी रख देता है। अरे मोहनदास, वैसे घनश्याम ने तेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तू भी कब तक प्रिया को अपने घर में रखेगा? कभी ना कभी तो उसे उसके ससुराल भेजना ही होगा। सेठ जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, अब तो मेरा लोगों पर से विश्वास ही उठ गया है। अब जब तक वो लोग खुद मेरी बेटी से माफी मांग कर उसे लेने नहीं आएंगे, तब तक मैं उसे उसके ससुराल नहीं भेजूंगा। अरे मोहनदास, तू ये अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपने घर को गिरवी क्यों रख रहा है? अरे सेठ जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खूब पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो। अरे मोहनदास, अगर हर कोई तेरी तरह ही अपनी बेटी को पढ़ाए तो बेटियाँ किसी को भी बोझ नहीं लगेंगी। सेठ जी, मैं तो अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता हूँ। सेठ जी, मैं जल्दी अपनी ये गिरवी जमीन को छुड़वा लूंगा, आप बस मुझे 2 महीने का समय दीजिए। अरे मोहनदास, जब तू अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहा है तो प्रिया तो इस गाँव की बच्ची है। मैं तुझे 2 महीने की जगह 4 महीने का समय देता हूँ, तू बस आराम से अपनी बेटी को पढ़ा। अब प्रिया अच्छे से पढ़ना शुरू कर देती है। और कुछ ही दिन में प्रिया का सरकारी रिजल्ट भी आ जाता है। प्रिया उस गांव की कलेक्टर बन जाती है। पापा, पापा देखो, बाहर आओ। मोहनदास और प्रिया की माँ प्रिया को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मेरी बेटी, तू ये सब? पापा, आपकी मेहनत रंग लाई। आपको पता है पापा, मैं अब इस गांव में कलेक्टर बन गई हूँ। क्या, कलेक्टर? हाँ माँ, कलेक्टर। और ये गाड़ी देख रही हो, ये गाड़ी मुझे सरकार ने दी है, और ये 2 इंस्पेक्टर अब हर समय मेरे साथ रहेंगे। अरे प्रिया बेटी, तुझे बहुत बहुत बधाई हो, तेरी मेहनत रंग लाई। अरे मोहनदास, आज तेरी बेटी को ऐसे देखकर अब गांव के सभी लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने में संकोच नहीं करेंगे। सेठ जी, ये जीत सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, इसमें मेरे माँ पापा और आपका बहुत ज्यादा योगदान है। प्रिया को कलेक्टर बना देख, उसके पास बड़ी सी गाड़ी और इंस्पेक्टरों को देख, मोहनदास और प्रिया की माँ बहुत खुश हो जाते हैं। और उधर घनश्याम, जो कि प्रिया का ससुर है, वो अपने घर आता है। अरे कमल, कमल, अरे क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों और यहाँ पर कैसे? अरे कमल, मुझे कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसलिए मैं शहर में सारा कारोबार बेचकर यही गांव में आ गया हूँ।
अरे क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? कमल अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। अजय अब हम क्या करेंगे, हमारा तो सारा कारोबार शहर में ही था और अब वहाँ भी नुकसान हो गया, तो हम अब घर का गुजारा कैसे करेंगे? माँ पापा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इस गांव में ही अपना कारोबार चलाएं। हाँ बेटा, तो ये सही कह रहा है, अब हम इसी गांव में ही अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं। ठीक है पापा, मैं कल सुबह कलेक्टर के पास जाकर इस गांव में फैक्ट्री खोलने की अर्जी ले लेता हूँ। अगले ही दिन कमल अपने पापा और माँ के साथ कलेक्टर के दफ्तर पहुँचता है। वहाँ का नजारा देख उन तीनों के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। अरे अरे, ये तो प्रिया है, हमारी बहू प्रिया। अरे लेकिन ये यहाँ कैसे, और ये कलेक्टर साहब के कमरे में क्या कर रही है? तभी कमल वहाँ एक आदमी से पूछता है। अरे भाई, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई, ये हमारे गांव की नई कलेक्टर है, तुम इन्हें नहीं जानते क्या? उस आदमी से ये बात सुनकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं कि तभी प्रिया उन तीनों के पास आती है। नमस्ते, आप सब यहाँ पर? प्रिया का ऐसा स्वभाव देखकर वो तीनों प्रिया से माफी मांगने लगते हैं। बेटी प्रिया, हमें माफ कर दे, हमने हमेशा तेरे रंग को ही देखा, कभी तेरे इस कोमल मन को हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। तू कलेक्टर बन गई है और हमने तेरे साथ ऐसा सुलूक किया, फिर भी तूने खुदा कर हमसे बात की। बेटी हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दे। प्रिया प्रिया, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मेरी वजह से घर में आई और मैंने ही तुमको नहीं समझा, मुझे माफ कर दो और हमारे साथ घर चलो। बेटी मैंने ही मोहनदास से तुम्हारा हाथ मांगा था, हमें माफ कर दे, अब मैं तुझसे बोलता हूँ कि तू हमारे साथ अपने घर चल। नहीं, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अब वापस नहीं जा सकती हूँ। आप लोगों ने मेरे काले रंग को देखकर मुझे छोड़ा और अब जब मैं कलेक्टर बन गई हूँ तो आप लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब मेरे इस काले रंग की वजह से आप लोगों की बदनामी नहीं होगी क्या? बेटी हमें पता है, हमने तुझे ऐसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। बेटी तू वो सब कुछ भुला कर हमारे साथ घर चल। नहीं, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं अब दोबारा अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं चाहती हूँ, आप लोग मुझे माफ कीजिए। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और वो तीनों अपनी गलतियों पर पछताते रह जाते हैं।